गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वीडियो में हम 22 नवंबर के करंट अफेयर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मत्स्य दिवस जो कि वर्ल्ड फिशरीज डे है वो कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 21 नवंबर। 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट डेज की बात करें तो 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, जबकि 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है और उसके 3 दिन बाद 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है। इसके अलावा 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जाता है। फिश से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हाल ही में गोवा सरकार ने फिश इम्पोर्ट को बैन कर दिया है। ये इसलिए बैन किया गया है क्योंकि जो इम्पोर्टेड फिश थी उसमें फॉर्मेलिन पाया गया था। फॉर्मेलिन फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है और फॉर्मेल्डिहाइड से कैंसर होने की आशंका रहती है, इसीलिए गोवा सरकार ने 6 मंथ्स के लिए फिश के आयात को बैन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने गरीबी रेखा से नीचे के घरों में एलपीजी वितरण को बढ़ावा देने के लिए एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाया है? राइट आंसर है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी निर्णय सहायता प्रणाली बनाई है जिसकी सहायता से गरीबी रेखा के नीचे के घरों में एलपीजी वितरण को बढ़ावा दिया जा सके। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन की सुविधा प्रदान की जाती है। आईआईटी खड़गपुर ने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को भी डेवलप किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत मई 2016 में हुई थी। इसका उद्देश्य है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की एक स्कीम है और ये इस मिनिस्ट्री की पहली वेलफेयर स्कीम है। पहले इस स्कीम के तहत 5 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का उद्देश्य था, हालांकि अब वो उद्देश्य बढ़ाकर 8 करोड़ फ्री एलपीजी कनेक्शन का दिया गया है, यानी 8 करोड़ घरों में फ्री एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। ये उन लोगों के लिए हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे के परिवार हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है और इसमें सबसे ज़्यादा किस गैस की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच त्यौहार का 14वां संस्करण जश्न बचपन 2018 किस शहर में शुरू हुआ है? राइट आंसर है न्यू दिल्ली। ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। जश्न बचपन 2018 की बात करें तो ये 14वां संस्करण है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच त्यौहार है बच्चों के लिए। ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है और इसको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की थिएटर इन एजुकेशन कंपनी के द्वारा आयोजित करवाया गया है। इसका उद्देश्य है कला और संस्कृति के लिए उत्साह पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने असुरक्षित मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करने के लिए भारत में पहली बार एक सफाई मशीन लॉन्च की है? राइट आंसर है सुलभ इंटरनेशनल। सुलभ इंटरनेशनल ने असुरक्षित मैनुअल स्कैवेंजिंग को ख़त्म करने के लिए भारत में पहली बार एक सीवर सफाई मशीन लॉन्च की है। सुलभ इंटरनेशनल की बात करें तो ये एक सोशल सर्विस संस्था है। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। इसके संस्थापक हैं मिस्टर बिंदेश्वर पाठक। भारत की पहली सीवर सफाई मशीन की बात करें तो ये वर्ल्ड टॉयलेट डे के दिन लॉन्च की गई है। वर्ल्ड टॉयलेट डे हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार के वर्ल्ड टॉयलेट डे का थीम था व्हेन नेचर कॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है किम जोंग यांग, जो कि साउथ कोरिया के हैं, वो इंटरपोल के नए अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने रशिया के कैंडिडेट अलेक्जेंडर प्रोकोपचुक को हराकर ये पद हासिल किया है। इंटरपोल की बात करें तो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस में स्थित है और मिस्टर किम जोंग यांग इसके नए अध्यक्ष हैं। भारत की तरफ से सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो इंटरपोल में इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। इंटरपोल के नए अध्यक्ष का निर्णय
संयुक्त अरब अमीरात में हुई 87th आम सभा में लिया गया। कमेंट बॉक्स में बताइए सीबीआई के इंटरिम चीफ कौन बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट को सरकार ने मंजूरी दे दी है ताकि कृत्रिम बारिश के तहत दिल्ली में प्रदूषण को कम किया जा सके। राइट आंसर है आईआईटी कानपुर। हाल ही में सरकार ने आईआईटी कानपुर के कृत्रिम बारिश के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है ताकि दिल्ली में प्रदूषण को कम किया जा सके। सबसे पहले जानते हैं क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश क्या होती है। इसके तहत सिल्वर आयोडाइड है वो प्लेन के थ्रू आसमान में छिड़का जाता है या फिर किसी एक ग्राउंड बेस्ड जनरेटर के थ्रू भी इसको आसमान तक पहुंचाया जाता है। जब ये सिल्वर आयोडाइड आसमान में पहुंचते हैं तो वहां पर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन में मदद करते हैं और जब ये आइस क्रिस्टल बड़े हो जाते हैं तो ये बारिश के तौर पर नीचे गिरते हैं। क्लाउड सीडिंग का प्रोजेक्ट भारत के लिए नया नहीं है। इससे पहले कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र ने भी क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया है सूखे के प्रकोप को कम करने के लिए। हालांकि क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल पहली बार प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जापान बिजनेस काउंसिल का पहला बिजनेस फेस्टिवल किस शहर में हुआ। राइट आंसर है पुणे। ये महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। ये भारत जापान बिजनेस काउंसिल के द्वारा आयोजित करवाया गया था और पुणे ने कोनिचिवा पुणे की मेजबानी की। पुणे की बात करें तो हाल ही में पुणे में ही बिम्स्टेक की पहली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। बिम्स्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है और नेपाल और थाईलैंड ने बिम्स्टेक की पहली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में भाग नहीं लिया था। बिम्स्टेक की फोर्थ समिट हाल ही में नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुई थी जबकि नेक्स्ट समिट श्रीलंका में होनी है। इसके अलावा FTII यानी फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट है वो भी पुणे में ही स्थित हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के अंडर एक संस्था है। हाल ही में इसके चेयरमैन मिस्टर अनुपम खेर ने रिजाइन कर दिया है। इसके अलावा भारत की दूसरी FTII अरुणाचल प्रदेश में स्थित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंडरग्राउंड होटल किस शहर में खोला गया है। राइट आंसर है शंघाई। ये चाइना के शंघाई में खोला गया है और ये दुनिया का पहला अंडरग्राउंड होटल है। इसको नाम दिया गया है इंटरकॉन्टिनेंटल शंघाई वंडरलैंड। शंघाई की बात करें तो ये चाइना का एक शहर है और इसके नाम पर एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। गौर करने वाली बात है कि हालांकि नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन इसका मुख्यालय बीजिंग में है। इसके मेंबर्स हैं चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान हैं वो 2017 की अस्थाना समिट के बाद परमानेंट मेंबर बने थे। एक और ज़रूरी बात है कि तुर्कमेनिस्तान हालांकि एक सेंट्रल एशियन कंट्री है लेकिन वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। तुर्कमेनिस्तान तापी गैस पाइपलाइन का भी हिस्सा है। तापी गैस पाइपलाइन में चार कंट्रीज हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की आखिरी समिट चाइना के किंगदाओ में हुई थी। इसके अलावा न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी बोला जाता है उसका मुख्यालय भी शंघाई में स्थित है। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के मेंबर हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति मिस्टर सिरिल रामाफोसा हैं। वो 2019 के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट होंगे। हाल ही में ब्राज़ील के भी नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मिस्टर केवी कामट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज पर 27वीं बेसिक मिनिस्ट्रियल मीटिंग किस शहर में हुई। राइट आंसर है न्यू दिल्ली। ये नई दिल्ली में हुई। 27th बेसिक मिनिस्ट्रियल मीटिंग की बात करें तो ये नई दिल्ली में हुई है और ये डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में हुई। बेसिक की बात करें तो ये है ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना यानी कि ब्रिक्स माइनस रशिया। ब्रिक्स में पांच कंट्रीज हैं जबकि बेसिक में चार कंट्रीज हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए ब्रिक्स का 10वां सम्मेलन कहाँ हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मैक्सिकन ऑर्डर ऑफ एजटेक ईगल से किन भारतीय को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है श्यामा प्रसाद गांगुली, प्रोफेसर श्यामा प्रसाद गांगुली हैं, उनको मैक्सिकन ऑर्डर ऑफ एजटेक ईगल से सम्मानित किया गया है। ये मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इससे पहले मिस्टर रघुपति सिंघानिया हैं, उनको भी मैक्सिकन ऑर्डर ऑफ एजटेक ईगल दिया गया था। मिस्टर रघुपति सिंघानिया JKTIS के चेयरमैन और MD हैं। इसके अलावा फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड लीजन ऑफ ऑनर हाल ही में मिस्टर जवाहरलाल सरीन को दिया गया है। मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है और मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी है। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।